अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपसे खुसूसी दो तीन बातें करना चाह रहा हूँ कि कल हमारा एक हवाई जहाज़ जो है वो कराची में गिर गया। सबसे पहला टॉपिक ये है कि हवाई जहाज़ कराची में गिरा और उससे लेके अभी तक उस पर न्यूज़ होती रही, उस पर डिस्कशन होती रही, चाहे वो यूट्यूब था, चाहे वो फेसबुक था, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया पे कोई भी और मामला थे या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे था, उस पे बस ये हुआ कि जी ऐसे आ गया, जहाज आ गया, गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, दुम में आग लग गई, सेंटर में आग लग गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, 97 लोग मर गए, 98 मर गए, इतने बच गए, ऐसे हो गया, जिस बस्ती के ऊपर गिरा वो लोग बच गए या वो मर गए, ऐसा। इन सारी चीज़ों के बाद जो है एक एक पॉइंट पे जाके हम फंस गए हैं कि पाकिस्तान में आज तो मेरे ख्याल है मैंने मैंने मेरा जब से होश संभाला है तो 4 5 6 तो मैंने भी ये जहाज गिरने का जहाज साहब से लेके 88 से लेके अभी तक ऐसे जहाज गिरने का 4 5 6 तो मैंने वाकयात सुने। और ये भी कुछ अर्सा पहले ये जुनेद जमशेद साहब वाला जो जहाज यहाँ पे गिरा था हमारे एबटाबाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये जहाज गिरते हैं तो इसके पीछे कोई जिम्मेदारान होंगे, मतलब कोई स्टाफ होगा कि किसने इंजन चेक करना था, फिर उसके ऊपर कौन ऑफिसर था, फिर उसके ऊपर कौन था, फिर उसके ऊपर कौन था, और एट द एंड ऑफ द डे इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है। और जिन रिस्पॉन्सिबल के बारे में हमारे टॉक शोज में और टीवी शोज में और दूसरे प्रोग्राम्स में डिस्कस किया जाता है, उन रिस्पॉन्सिबल्स को कभी किसी को आज तक सजा मिली है? कभी किसी को PIA से या किसी को उससे निकाला गया है? कभी किसी को सजाए मौत दी गई है कि ये 98 लोग जो है ये तुम्हारी वजह से मर गए? ये अगर 20 आदमी इसके जिम्मेदार है तो उन 20 के 20 को उठाएं और उन सबको सजाए मौत दे दें और उनको कहें कि भाई एक तो उनकी जॉब से उनको निकाल दें, दूसरा उन सबको सजाए मौत दे दें और ये एक मिसाल कायम करें, एक एग्जाम्पल कायम करें कि भाई जब आप सैलरीज ले रहे हैं, जब आप पैसा ले रहे हैं, जब आप इन लोगों के टैक्सों से पैसा लेके, सैलरीज लेके, अच्छी मरात लेके, उसके बावजूद आप इतनी नेग्लिजेंसी है कि आप लोग इनकी परवाह नहीं है कि लोग मर गए हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, रमजान का महीना था, 27 रमजान था, 28 रमजान था और आप लोगों ने इतना बड़ा ये सानिया हुआ है। तो आज मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो आज PTI की गवर्नमेंट है, उनसे, वजीर आजम पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने भी इससे हमारे पाकिस्तान के अच्छी सीट पे बैठे हुए लोग हैं, चीफ जस्टिस से कहूंगा कि इसके ऊपर फौरन इंक्वायरी मार करें और इसके ऊपर इस दफा सजा दिलाएं इनको, इस दफा इन लोगों को सजा दें, इस दफा इनको पता चले कि भाई हमने ये गलती की है, हमारी ये मिस्टेक हुई है तो हमें सजा दी गई है। तो लाहौर से कराची जाने में इतना बड़ा ट्रेवल भी नहीं था, जहाज को पूरा रखा जा सकता था। बेशक बिला शुबा हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो रात हमारी कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, जिस रात हमने मरना है उस रात हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन लेकिन ये जो निगलिजेंसी है ये कम अज कम नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से जब मौत आ जाती है तो उसको तो कोई नहीं टाल सकता। नाजीम, दूसरी बात है, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी जबरदस्त ऐड करूंगा मैं। दूसरी बात है नाजीम, जो दूसरे पॉइंट जिस पे आज मैं बात करने लगा हूँ, वो एबटाबाद में पिछले 2 3 दिन से हमारे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं उन पर भी ये न्यूज़ चली है। थाना सिटी की तरफ से कल हमारे मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भी मौलाना साहब ने भी अनाउंसमेंट की थी और भी मुख्तलिफ जगहों पर अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन अब इसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज कर दिया गया है, इतना ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है कि वाई फायरिंग से ये हो जाएगा, वाई फायरिंग से फलां हो जाएगा, वाई फायरिंग से ऐसा होगा, वाई फायरिंग नहीं करनी है, वाई फायरिंग ये करना है, वाई फायरिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जानब तो हम ये समझते हैं कि यार इससे लोगों को अवेयर किया जाता है, लेकिन मैं तो नहीं समझ रहा कि ये अवेयर हो रहा है, बल्कि उल्टा ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे लोग वाई फायरिंग करने लगेंगे। आज दिन को अभी आवाजें आ रही है, अभी 29 रमजान चल रहा है, अभी एबटाबाद में मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, मुझे ये सलाडिया इधर से अभी थोड़ी देर पहले आवाज आई है। तो ये अब मुझे ये बताएं कि जब आप इसको इतना ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं कि आप वाई फायरिंग करें, या आप उनको उससे हटा रहे हैं? आप तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास असला पड़ा हुआ है, वाई फायरिंग करो, ईद आ गया, वाई फायरिंग करो। भाई इसलिए इसका कोई क्राइटेरिया ऐसा तय किया जाए
कि आप मतलब इसको एडवर्टाइज करें, लेकिन वो इतने लेवल पे करें कि जो शहरों में हो, जो गांव के अंदर जो लोग हैं या जो जो लोग नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, उनको आप जब ये चीज़ ये उनके सामने लाएंगे तो वो तो अपना असला निकाल लेंगे और वो सारे वाई फायरिंग करेंगे और इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मतलब जो जो काम हमने तरगीब के लिए करना है, उससे हमने उसको तरगीब देनी है, और ऐसी तरगीब देनी है जिससे हमारे हालात जो हैं वो बदल जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस पे जो हमारे अल्लाह ताला ने जो अच्छे काम बताए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, जो हमें बेहतरियाँ बताई गई हैं, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को तमाम आफात बलियात और तमाम बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए नासिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।